अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ स्वादिष्ट छोले कुलचे। पहले मैं कुलचे बनाने के लिए जो मैदा है, ये 3 पुआ मैदा लिया है मैंने, और ये दही है, दही लिया है 500 ग्राम। मैं पहले कुलचे के लिए आटा का डो लगा लेती हूँ, स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑयल डाल दूंगी, रिफाइंड ऑयल है। उसके बाद जो दही है, दही डाल दूंगी और इसे मैं एक नरम सा डो बना लूंगी। नरम डो बनाने के बाद मैं इसे 1 घंटा 1.5 घंटा तक ढक के रख दूंगी। उसी दौरान मैं छोले भी बना लूंगी। देखिए व्यूअर्स, आटा मैंने लगा दिया है, इसमें थोड़ा सा ऊपर से तेल लगा के इसे मैं अच्छा से मिक्स करके इसमें ढक्कन लगा के 1.5 घंटा के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद अभी मैं छोले बनाने के लिए कुकर रख दिया है गरम होने के लिए। कुकर गरम होते होते ये प्याज मैंने कट कर लिया है, 2 बड़ा सा प्याज और ये टमाटर 2। इसके बाद मैंने ले लिया है काली मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर। उसके बाद मैंने ले लिया है अदरक और लहसुन। बाद में मैं चपाती उबाल के दिखाऊंगी। उसके बाद थोड़ा सा ये मीठा सोडा है उसे भी डालूंगी। ये चना है जो मैंने रात भर भिगो के अच्छा से फूल गया है चना, ये कच्चा है, ये चना फूल गया है। अभी मैं इसे धो के अच्छा से साफ करके लिया है। अभी मैं कुकर में तेल डालूंगी। तेल गरम हो रहा है, तेल को मैं चेक कर लूंगी नमक डाल के गरम हुआ कि नहीं। अभी थोड़ा सा गरम हुआ है। अभी इसमें मैं सूखा मिर्ची 5-6 डाल दूंगी। गरम मसाला मैं खारा नहीं डालूंगी, क्योंकि गरम मसाला मैंने बारीक कर लिया है, होममेड गरम मसाला, उसे ही डालूंगी। और लास्ट में मैं छोले मसाला भी लाई हूँ, उसे भी डालूंगी, क्योंकि कभी छोले का स्वाद बहुत अच्छा आता है। उबलने के लिए रख दिया, उसमें मैं जो चपाती हम लोग चाय पीते हैं, ये चाय के पत्ते हैं, उसे मैं 3 छोटा चम्मच डाल के उबाल लूंगी, क्योंकि उसी से छोले का कलर जो है बहुत अच्छा आएंगे। वो चपाती चपात उबलने के बाद वो पानी भी मैं छोले में डालूंगी। अभी मैं प्याज डाल देती हूँ। छोले में मैं इमली नहीं डालूंगी, नींबू का रस डालूंगी, ये लास्ट में डालूंगी, नहीं तो छोले फिर नहीं पकेंगे। इसलिए आप लोग इमली अच्छा लगता है तो आप लोग इमली भी डाल सकते हैं।
इसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक मैं भून लूंगी। देखिए प्याज अच्छा से कलर चेंज हो गया है। अभी मैं अदरक लहसुन डाल दूंगी। उसके बाद ये छोले मसाला है उसे भी डाल दूंगी। एवरेस्ट का है ये छोले मसाला, और जितना भी मैंने दिखाया था काली मिर्ची, गरम मसाला, जीरा, धनिया और हल्दी पाउडर उसे भी मैं डाल दूंगी। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, ठीक है, नहीं तो मसाला जल जाएंगे। देखिए बहुत सुंदर कलर आया है। अभी इसमें मैं जो टमाटर है उसे भी अच्छा से भून लूंगी। डाला था उसी को धो के डाल दूंगी। इसके बाद इसे अच्छा से भून लूंगी। देख सकते हैं व्यूअर्स बहुत अच्छा, कितना सुंदर कलर आया है। छोले थोड़ा सा काला काला होते हैं, इसलिए मैंने चपाती को उबाल के पानी की रखा हुआ है, बाद में डालूंगी। थोड़ा सा एक मिनट के लिए टमाटर को गला लूंगी। अच्छा से भून लिया है, बाद में तो ये चना के साथ गल जाएंगे, इसलिए नहीं ज़्यादा गलाना है। अभी मैं चना को डाल दूंगी। और इसमें मीठा सोडा आधा चम्मच जैसे डालूंगी। इसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। अभी से जो महक है बहुत अच्छा आने लगा है, मसाला आप लोगों को पसंद आएंगे। मेरे वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो आप लोग एक लाइक कर दीजिए। इस नमक चेक कर लूंगी, इसमें नमक डालना है। चना को ज्यादा भूनने से चना सख्त हो जाएगा, इसलिए ज्यादा नहीं भूनूंगी, क्योंकि मसाला मैंने भून लिया है। अभी इसमें मैं जो चपाती, चाय के पत्ते जो मैंने उबाल के रखा है उसके ये छाननी से छान के उसके पानी डाल दूंगी। इससे कलर बहुत अच्छा आएंगे। इसके बाद इसे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके चार पांच सीटी लगा दूंगी। गलने के बाद मैं लास्ट में नींबू डालूंगी, थोड़ा सा धनिया पत्ता अभी डाल देती हूँ क्योंकि उससे महक बहुत अच्छा आएंगे, और लास्ट में भी मैं डालूंगी। अभी मैं इसे ढक्कन लगा के चार पांच सीटी लगा लूंगी। देखिए व्यूअर्स अच्छा से छोले बनके तैयार हो गए हैं। कलर भी आप लोग देख सकते हैं, मसाला बहुत सुंदर आया है, बिल्कुल गल गया है चना, आप लोग देख सकते हैं। अभी इसमें मैं नींबू का रस, इमली नहीं डाला है,
इसलिए मैंने नींबू का रस, एक नींबू का रस और ऊपर से धनिया पत्ता और कच्चा मिर्ची डाल के अभी मैं ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अभी मैं इस तरफ चलती हूँ कुलचे की तरफ। देखिए व्यूअर्स, आटा कितना सॉफ्ट और फूल गया है। कोई कोई कुलचे चीज से भी देखिए व्यूअर्स, आटा कितना सुंदर से फूल गया है। कोई कोई इससे भी आटा को मैदा को लगाता है, लेकिन मैं इसमें दही डाल के अच्छा से गून के रख दिया था। अभी मैं इसके डो बना लूंगी। आप लोगों को साइज जितना बड़ा छोटा चाहिए अपने हिसाब से डो बना लूंगी। उसके बाद मैदा में थोड़ा सूखा मैदा में डालूंगी, इसे मैं आप लोग लंबा भी बना सकते हैं और गोल भी बना सकते हैं, आपको जैसे ही अच्छा लगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दूंगी, आप लोग इसमें कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं। मैं धनिया पत्ता डालूंगी, उसके बाद फिर से एक बार इसे बेल लगा दूंगी। इसे मैं अभी तवा गरम कर लेती हूँ। तवा को गरम होने के लिए रख दिया। तवा गरम हो गया है, अभी मैं कुलचे को धीरे से उठाऊंगी और तवा में रख दूंगी। एक मिनट के लिए एक ढक्कन लगा दूंगी, इसे बहुत अच्छा भाप बनेंगे। देख सकते हैं व्यूअर्स, साइड से फूलने लगा है। अभी मैं इसे पलट दूंगी। ऐसे ही मैं थोड़ा थोड़ा सेक लगा के पहले कुलचे को जमा कर लूंगी और ढक के रख दूंगी। बाद में जितना खाना परोसूंगी उतना ही मैं बाटर या घी से फिर से अच्छा से सेक लगा के आप लोगों को दिखा दूंगी। देखिए व्यूअर्स कितना सुंदर आया है। ऐसे में ही पहले आप लोगों को दो चार सेक के दिखा देती हूँ। देखिए अपने आप ये फूलने लगा है। इसे मैं उठा लूंगी, बाद में इसे फिर से फिनिशिंग करूंगी। इसे ढक के रख दूंगी और एक कुलचे में फिर से बैठा दूंगी। एक मिनट के लिए इसे ढक दूंगी। इसे करके ही मैं आधा आधा सेक के जितना भी कुलचे है उसे ढक के रख लूंगी। बाद में इसे मैं घी से फिर से सेक के दिखा दूंगी। देखिए मैंने आधा आधा सेक के इसे रख दिया।
अभी मैं इसे बटर से या घी से आप लोग जैसे पसंद करें ऐसे ही सेकना है। थोड़ा सा बटर लगा के दोनों तरफ अच्छा से सेकना है। आप लोग ऐसे अगर कुलचे बना के भी टाइट कंटेनर में फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब भी खाने को मन करे तो निकाल के फिर से सेक के खा सकते हैं। कितना फूल गया है देख सकते हैं आप लोग। अभी जितना मैं बच्चों लोग को देने वाला हूँ उतना ही सेक के फिर मैं साफ करके दिखाऊंगी। बहुत मुलायम होते हैं ये कुलचे, आप लोग भी ऐसे घर में बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए मेरा वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। ऐसे ही आपको प्रेस करके अच्छा से दोनों तरफ से सेक लगा देना है। हो गया है ये, ऐसे ही मैं और यहाँ से निकाल के सेक लूँगी। देखिए व्यूअर्स, छोले कुलचे बनके तैयार हो गया है। आप लोग कलर भी देख सकते हैं, बहुत सुंदर आया है। और ये देखिए कुलचा कितना मुलायम, आप लोग भी घर में बनाइए इसे, मुझे कमेंट कीजिए। मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।